हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स विद चर्बी। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन की एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ग्रेवी। हम बनाने जा रहे हैं चिकन दिलरुबा, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन दिलरुबा। पहले इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। हमें चाहिए 750 ग्राम चिकन, यहाँ पर मैं हड्डी वाला यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बोनलेस भी यूज कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज की प्याज फाइन चॉप की हुई, 3/4 कप दही, 1 कप दूध, एक पेस्ट हमें चाहिए, 2 टेबलस्पून मगज, 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून बादाम को मैंने सोख करके पानी डाल के पीस लिया था, 1.5 टेबलस्पून हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट और 1/2 टीस्पून यूज करेंगे जाफरान। ड्राई मसाले में यूज करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून हम यूज करेंगे होममेड गरम मसाला पाउडर, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 1 टीस्पून यूज करेंगे नमक। गरम मसाला पाउडर ज्यादा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और खड़ा गरम मसाला इसमें हम यूज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन दिलरुबा। और ऑयल हमें चाहिए 3 टेबलस्पून। मीडियम हीट पे तेल हमने गरम कर लिया, उसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक पका लेंगे। प्याज हमारी लाइटली फ्राई हो गई, हमें इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और चिकन। अब हीट को हाई करेंगे और 5 मिनट तक चिकन को मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। पांच मिनट तक चिकन को हमने फ्राई कर लिया। अब हीट को लो करेंगे और उसमें डालेंगे नमक और ड्राई मसाले, साथ ही साथ डालेंगे दही और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही डाल के हमें लो हीट पे ही मिक्स करना है, अगर हम हीट को हाई करेंगे तो दही हमारी फट जाएगी। दही और ड्राई मसाले के साथ मिक्स कर लिया चिकन को हमने 2 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे ये काजू बादाम और मगज का पेस्ट और कंटिन्यूस मिक्स करते हुए इसे चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। हीट को हम मीडियम करेंगे और इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे। मिक्स करते रहना है हमने, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें दूध डाल के मिक्स करेंगे। और कवर करके 15 से 20 मिनट तक या फिर चिकन गलने तक इसे पका लेंगे। 20 मिनट तक हमने चिकन को कवर करके पका लिया, फ्लेम ऑफ करेंगे। चिकन अब हमारी अच्छी तरह से गल गई है और ग्रेवी भी रेडी है, देख सकते हैं। ये ग्रेवी जो है ये पतली नहीं होगी, थिक होगी। आप इसे सर्व करेंगे रोटी या नान या फिर कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं। कुलचे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। लास्टली हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे जाफरान और अब हम अपनी चिकन दिलरुबा को सर्व करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे फीडबैक देना न भूलें।